हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। अब चलते हैं मैक्सवेल के पैंच का नियम, जिसकी सहायता से भी हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मैक्सवेल के पैंच के नियम में हम किसी भी मैक्सवेल के पैंच के नियम में हम दाएं हाथ में पेचकस को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में घूमे। अंगूठा किसकी दिशा में घूमे? धारा। मैक्सवेल के पैंच के नियम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ में पेचकस को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा किसकी दिशा में हो? धारा की दिशा में घूमे। अंगूठा धारा मान लो ऐसी है तो अंगूठा ऐसा ही घूमना चाहिए, ये घूम रहा है। तो पेचकस जहां को जाएगा, पेचकस की नोक, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। वह किसकी दिशा होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। पीछे आपने बायो सेवर्ड का नियम पढ़ा था, अल्पांश लंबाई ली थी, अल्पांश लंबाई में धारा प्रवाहित की थी, इससे कुछ दूरी पर क्या था? बिंदु पी था। देखो जरा, हमें इस पर क्षेत्र की दिशा निकालनी, बिंदु की ओर, सभी उंगलियां बिंदु की ओर, अंगूठा किसकी दिशा में? इधर चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत कहां की ओर आ रहा है? नीचे की। अगर यही तार हम धारा कहां को होती? नीचे को होती, बिंदु इस तरह यहां पे होता, तो जरा हमें निकालना होता तो कैसे निकलता? दाएं हाथ को इस प्रकार फैलावे, सभी उंगलियां किसकी ओर? बिंदु की ओर। सभी उंगलियां किसकी ओर? बिंदु की ओर। सभी उंगलियां बिंदु की ओर, तो बिंदु है वो इधर को, धारा कहां को है? नीचे को। धारा हो गई नीचे को, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत कहाँ की ओर होता? ऊपर की ओर होता, कागज तल के लंबवत ऊपर। कोई सा भी तार हो, किसी में भी धारा प्रवाहित हो रही हो, उसके कारण क्षेत्र निकालना हो, हम दाएं हाथ के नियम का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। किस नियम का प्रयोग करेंगे? दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। कन्फर्म इतनी बात। चलते हैं अब आगे की ओर। क्वेश्चन है अगला, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? हेडिंग वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र, यानी हमें मैग्नेट फील्ड निकालनी है ऑन सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कुलर कॉइल। मींस एक वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर किसकी गणना करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। किस पर? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर। वृत्ताकार माने वृत्त होगा, धारावाही माने उसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी, के केंद्र उसका सेंटर जो होगा वहां पर किसकी गणना करनी होगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी। एक बार फिर से रिपीट करें, हमने क्या कहा क्वेश्चन? वृत्ताकार यानी एक सर्कुलर पाथ है, धारावाही मींस उसमें क्या प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, के केंद्र पर उसका क्या लेंगे हम? केंद्र पर किसकी गणना करनी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। पीछे की जरा समस्याओं को समझे, कौन कौन सी पढ़ी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो चीज पूछी जाए उसी का आंसर दें। पीछे हमने पढ़ी सबसे पहले बायो सेवर्ड के नियम, उसमें एक अल्पांश लंबाई का चालक तार लिया था। कैसी लंबाई का तार लिया था? उसमें धारा प्रवाहित की थी, उसके कारण किसी बिंदु पर किसकी गणना की थी? चुंबकीय क्षेत्र, पहली चीज यही की थी। दूसरी बार में परिमित लंबाई का तार लिया था, कैसी लंबाई का तार लिया? परिमित लंबाई का तार लिया, उसमें क्या प्रवाहित की? धारा प्रवाहित की, उसके कारण किसी बिंदु पर किसकी गणना की? चुंबकीय क्षेत्र की गणना की। और तीसरी हेडिंग ये चल रही किसकी? वृत्ताकार धारावाही कुंडली, उसी में परिमित लंबाई में एक अनंत लंबाई का भी केस कर लिया था, और एक सिरे के समीप हो अगर बिंदु तब भी वो भी केस जान लिया था। अब जानते हैं हम किसमें? वृत्ताकार धारावाही कुंडली, तो हम कैसे लेने वाले हैं? एक तार को ले आएंगे, उसे किसके रूप में मोड़ने वाले हैं? वृत्त के रूप में मोड़ने वाले हैं। एक तार लेकर उसे हम कैसे रूप में मोड़ेंगे? वृत्त के रूप में मोड़ेंगे, और उसमें क्या प्रवाहित करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। फिर देखते हैं उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। कन्फर्म इतनी बात, क्या करने वाले हैं? तो हम यहाँ पर एक वृत्ताकार कुंडली लेनी है, तो सबसे पहले हम वृत्ताकार कुंडली लेते हैं। एक तार लिया हमने, उसे एक वृत्त के रूप में क्या कर लिया? मोड़ दिया।
एक तार है तल पे रखा हुआ, इसलिए व्रत को हमने चपटा सा बनाया, ध्यान रखेंगे इस बात को। एक तार लिया और इस तार को हमने एक छल्ले के रूप में क्या कर दिया, मोड़ दिया, एक व्रत के रूप में क्या कर दिया, मोड़ दिया। ये इसका केंद्र, एक ताल को हमने एक छल्ले के एक व्रत के रूप में क्या किया, मोड़ दिया, और जो एक तल पे रखा है तो थोड़ा चपटा सा बनाया। अगर हम तल पे मतलब बोर्ड पे होता तो बिल्कुल सर्कल गोल बना, गोल है। इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। इस तार में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित की, आई, तो सब जगह कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, आई, इधर भी धारा आई। ठीक है, कन्फर्म इतनी बात। हमने दो चीजें कही थी, वृत्ताकार धारावाही, तो यह वृत्ताकार हो गई, इसमें क्या प्रवाहित हो गई, धारा प्रवाहित हो गई, और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर। अब इसका क्या लेना है, केंद्र ओ, इस पर किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमें क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना। ठीक है ना, सबकी बात समझ में आई, करना क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली लेनी है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली ली, धारावाही माने इसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही, आई, इसके केंद्र पर किसकी गणना करनी, चुंबकीय क्षेत्र। अब थ्योरी क्या लिखोगे बच्चे, सबसे बड़ी समस्या, डेरिवेशन कर देंगे, थ्योरी नहीं लिख पाएंगे। थ्योरी लिखने का तरीका समझो, आपको हेडिंग में ही दे दी थ्योरी, वृत्ताकार, माना कि एक तार को आर त्रिज्या के वृत्त में मोड़ा जाता है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। चार लाइनें, तीन तो उसी ने दे दी अपने क्वेश्चन में, पहली चार लाइनें, तीन लाइनें उसी ने दी आपको कि वृत्ताकार, तो एक तार को वृत्ताकार कुंडली के रूप में क्या किया गया, मोड़ा गया। एक तार को वृत्ताकार कुंडली के रूप में क्या किया गया, मोड़ा गया, इसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित की, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की, इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कितनी है, आर है, और इसके केंद्र पर हमें किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना। हम, हमारे पास ऐसा नियम नहीं है बड़े तार के कांच सीधा निकाल सके, हमने बनाया जरूर था वो सीधा तार था, जबकि ये सीधा नहीं, तो यहाँ पर हम सीधे तार के कांच सीधा आंसर नहीं ज्ञात, लेकिन हमारे पास एक अल्पांश खंड की लंबाई का तार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। क्या नाम उसका, बायो सेवर्ड का नियम। तो हम शुरुआत करेंगे बायो सेवर्ड से और पूरी कुंडली के कारण हम क्षेत्र निकालेंगे, देखें कैसे। पहले हम इसे छोटे छोटे खंडों में बांट रहे हैं, माना कि यह चालक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, छोटे छोटे खंडों से मिलकर ये क्या है, बना है किसी एक सूक्ष्म खंड जिसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल या डी एल है, एक ही बात है, डेल्टा एल और डी एल दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल डी एल दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के एक सिग्मा और एक समाकलन, सिग्मा जब यूज करते हैं तो डेल्टा का प्रयोग करते हैं, और जब समाकलन का प्रयोग करते हैं तो डी का प्रयोग करते हैं, दोनों का काम एक ही है, छोटे भाग से बड़े भाग की ओर जाना, दोनों का काम एक ही है, सिग्मा का भी वही काम है और समाकलन। अब दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को समझें। सिग्मा जब प्रयोग किया जाता है जब पदों की संख्या निश्चित होती है, पदों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, और जब पदों की संख्या निश्चित ना हो, ज्यादा हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन, फिर वहां लिमिट लगा देते हैं और सॉल्व हो जाता है। ध्यान रखना दोनों का काम एक ही है, बस यह व्यक्ति कम है या खंड कम है तो हम सिग्मा लगा लेंगे, लेकिन अगर भाग क्या है उसी चीज के ज्यादा किए हमने तो हम सिग्मा से सॉल्व नहीं, एक आध पद छूट सकता है जल्दबाजी में, इसलिए वहां पर हम क्या कर लेते हैं, समाकलन लगा लेते हैं। समाकलन में लिमिट लगा दी जाती है पूरे भाग का, एक नीचे से लेके ऊपर तक के भाग का पूरा मान पता चल जाता है, तो इसलिए आप डेल्टा भी प्रयोग कर सकते हो डीएन। तो माना कि एक आर त्रिज्या, माना कि एक तार को आर त्रिज्या के वृत्त में मोड़ा गया, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके केंद्र पर किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब क्या कहा, यह माना कि यह खंड अनेक छोटे छोटे खंडों से, यह वृत्ताकार कुंडली अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर
बनी है किसी एक सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल कितना है dl, सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल कितना है dl। इस सूक्ष्म भाग के कारण पहले केंद्र पर क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। इस सूक्ष्म भाग के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर उसका क्या करेंगे समाकलन या सिग्मा से हम करेंगे पूरे भाग के कारण लिमिट लगा देंगे, हमें क्षेत्र पता चल जाए। तो सिंपल सी बात है, पहले सूक्ष्म भाग AB के कारण या सूक्ष्म भाग के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र, सूक्ष्म भाग के कारण किस पर O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे डेल्टा B या DB भी लिख सकते हैं बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, इसमें प्रवाहित धारा I, इसकी लंबाई dl, अगर हम डेल्टा लिख रहे हैं तो डेल्टा ही लिखा जाएगा, यहाँ डेल्टा भी लिखा, हम दोनों तरीके से करके बता रहे हैं। साइन थीटा अपॉन, अब ये 90 कैसे हो गया, क्वेश्चन वाली वजह है सोचने वाला, 90 इसलिए हो गया त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितने अंश होता है 90 अंश, वृत्त की त्रिज्या और उसकी स्पर्श रेखा जो होती है इनके बीच का कोण कितने अंश होता है 90, लगभग 90, तो ये 90 के आसपास होगा। सो हमने साइन क्या लिख दिया 90, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर, ए समीकरण नंबर एक। हमने सूक्ष्म भाग के कारण निकाल लिया, अब बात आती है संपूर्ण भाग के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, कौन से भाग के कारण संपूर्ण भाग के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, बी बराबर सिग्मा, सूक्ष्म भाग के कारण निकाला उसका हम क्या करेंगे सिग्मा कर देंगे, संपूर्ण भाग के कारण हमें पता चल जाएगा। सूक्ष्म भाग के कारण हमने निकाला और संपूर्ण भाग के कारण निकालना है तो सिंपल सी बात है हम क्या करेंगे सिग्मा कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते थे समाकलन, पहले हम सिग्मा से करते हैं फिर समाकलन से भी करके बता सकते हैं। तो पहले हम सिग्मा, चले देखें बी बराबर सिग्मा, डेल्टा बी का मान रखो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डेल्टा एल अपॉन कितने स्क्वायर आर स्क्वायर, बी बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डेल्टा एल अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर, हमने क्या किया यहाँ पर सिग्मा लगा दिया, छोटे से भाग के कारण संपूर्ण खंड के कारण संपूर्ण, चलो देखें जो चीज नियत होती वो बाहर आ जाती म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा डेल्टा एल, यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी इस बिंदु से लेकर इस बिंदु इधर से इधर तक के पूरे खंडों की लंबाई सिग्मा डेल्टा एल बराबर कितना होगा टू पाई, अरे सिग्मा का मतलब इसकी जोड़ प्लस जे प्लस जे प्लस जे प्लस जे प्लस 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 बढ़ यही तो हो गई, सिग्मा डेल्टा एल का मतलब सभी खंडों की लंबाइयों का योग, सभी खंडों की यहाँ से यहाँ तक लंबाइयों का योग करो परिधि के बराबर आएगा तो इसकी परिधि हो गई है, तो परिधि कितनी होती टू पाई आर, तो रख दो यहाँ पर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर स्क्वायर और यह हो गया टू पाई आर, एक आर से आर कट गया टू पाई से टू म्यू जीरो आई अपॉन आर, यदि कुंडली में टू आर लिखा तो है टू आर, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो एन हो, यह एक कुंडली थी अगर दस फेरे होते इसी कुंडली में तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना एन का गुणा हो जाएगा, क्यों एक फेरे के कारण है और दस फेरों के कारण दस गुना पांच फेरों के कारण पांच गुना बीस फेरों के कारण बीस गुना, तो एन फेरों के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर, यही चुंबकीय क्षेत्र होगा। सिंपल सी बात कही हमने, सबसे पहले छोटे से भाग के कारण केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकल आया, फिर उसके बाद क्या कहा संपूर्ण भाग के कारण निकालना, तो हमने क्या लगा दिया सिग्मा लगा दिया,
सिग्मा डेल्टा एल माने पूरी कुंडली की लंबाई, एक फेरा है पहले, जब एक फेरे है तो उसकी लंबाई हो गई 2πr, 2πr रख दो, काट पीट दो, सॉल्व कर दिया है। अगर कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, तो n का गुणा करना पड़ेगा, तो b बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r। ये हमने सिग्मा से निकाला। अगर हम समाकलन से करते इसी चीज को तो कैसे करते हैं, हम उसको भी समझे, दिशा भी निकालते हैं इसके बाद कर, ठीक है। देखो अब उसको हम बताएंगे, वही सब थ्योरी तो वही लिखती, कुछ समस्या नहीं होती। क्या होता हमारे पास यहाँ पे, यह क्या हो जाता डी बी, ये क्या होता डी एल, और यह भी क्या होता, क्या कहते पहले, सूक्ष्म भाग के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, डी बी बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर जी। संपूर्ण भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर समाकलन डी बी। सिग्मा और समाकलन का रोल एक ही है, बस सिग्मा जब प्रयोग करते हैं जब पदों की संख्या क्या हो निश्चित हो, और समाकलन का प्रयोग जब कर कभी भी कर सकते हैं, निश्चित में भी कर सकते हो और ज़्यादा हो तब भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ समाकलन कर दें, समाकलन या देखें इसका मान रखो म्यू जीरो फोर पाई आई डी एल अपॉन आर, लिमिट लगाएं डी एल माने लंबाई की लिमिट जीरो से टू पाई, क्यों इस सिरे से इस सिरे तक की लंबाई, लंबाई के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो लंबाई की लिमिट लगेगी, क्या आएगा यहाँ पर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई नियर आई अपॉन आर स्क्वायर भी नियर, कैसे नियर, पूरे सभी में धारा समान है परिवर्तित नहीं हो रही, जो धारा इस कुंडली में वही इसमें वही इसमें वही इसमें, तो ये तो धारा नियत, कुंडली की त्रिज्या फिक्स, तो ये सब राशियां नहीं बदल रही, बदल कौन रहा केवल डी एल, वो भी लिमिट जीरो से टू पाई आर। करते हैं क्या आएगा, ये म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और इसका समाकलन होगा एल, लिमिट जीरो से टू पाई आर, अपर लिमिट माइनस म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर स्क्वायर टू पाई आर माइनस, ठीक है। देखें म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू पाई आर, टू पाई से जो टू टाइम्स कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, क्या आ जाएगा बी बराबर म्यू जीरो आई अपॉन टू आर। यदि फेरों की संख्या एन हो तो बी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो एन आई अपॉन, अब समस्या इसकी दिशा ज्ञात करना, दिशा ज्ञात करने के लिए वही दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलावें सभी उंगलियां किसकी दिशा में, चुंबकीय छेद की दिशा में, सभी उंगलियां किसकी दिशा में, चुंबकीय छेद की दिशा, सॉरी सभी उंगलियां उस बिंदु की ओर, सभी उंगलियां उस बिंदु की ओर जिस पर किसकी गणना करनी, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी, अंगूठा किसकी दिशा में, तो हथेली के लंबवत क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो देखें दाएं हाथ को इस प्रकार फैलावे सभी उंगलियां उस बिंदु, बिंदु है केंद्र, बिंदु है केंद्र, अंगूठा किसकी दिशा में, धारा, अंगूठा किसकी दिशा में, धारा, चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत कहां की आ जाए, नीचे की, इस चित्र में चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है, क्यों तल में बनी है कुंडली, तल के लंबवत, अगर यही धारा कहां को होती इस दिशा में, बिंदु इधर को, तो यही चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता कागज तल के लंबवत। अगर मैक्सवेल के पेच का नियम प्रयोग कर लेते तो देखें दाएं हाथ में पेचकस को इस प्रकार पकड़ के घुमाएं कि अंगूठा किसकी दिशा में घूमे, धारा की दिशा में, जे घूम रहा जे धारा ऐसी है, अंगूठा जे घूम, पेचकस जहां को जाएगा पेचकस नीचे को जाएगा इस समय, अगर हम ऐसे घुमाते तो पेचकस कहाँ जाता ऊपर की ओर, पेचकस नीचे को जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत कहाँ की ओर है इस चित्र में, नीचे की ओर है, तो इसमें है चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत कहाँ की ओर, नीचे, कन्फर्म इतनी बात, ये डेरिवेशन बहुत अच्छी है इसे कही।